बिजनौर में मामले से झगड़े को लेकर दो पक्षों में हुए झगड़े में दो युवक जख्मी हो गए, साथ ही बाइक में रखे धारदार हथियार को छोड़कर आरोपी फरार हो गए। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची डायल 100 उसके ऊपर भी लोगों ने पथराव कर दिया, जिसके चलते डायल 100 की गाड़ी के साथ साथ कई अन्य गाड़ियों के शीशे टूट गए। जैसे तैसे डायल 100 के पुलिस कर्मी अपनी जान बचाकर मौके से फरार हो गए। सूचना मिलने के बाद मौके पर भारी संख्या में पुलिस पहुंची, पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है। वहीं इलाके के लोगों के मुताबिक डायल 100 में पुलिस के साथ साथ ही गुंडे भी बैठ कर आए थे। बताइए क्या मामला है? यहाँ पर झगड़ा हो गया था, कुछ लड़कों ने आके बैठे हुए लड़कों को मारा, मारने के बाद उनकी रिपोर्ट कराने वो लड़का थाने चला गया और मेडिकल के लिए भेज दिया गया उसको। इतने में डायल 100 आई यहाँ पर इनोवा, उसके अंदर जो लड़के जो मारपीट करके गए थे वो इनोवा में मौजूद थे। वो जब दरोगा जी जब इनोवा से नीचे उतरे तो उस लड़के ने वो गाड़ी अंदर से कैप्चर कर ली जो कि मुजरिम था। उसने गाड़ी अंदर से कैप्चर करने के बाद इनोवा को लेके आगे पीछे उसने पब्लिक को भी देगा, सबको उड़ाना शुरू कर दिया। उधर रिक्शा वाले को मारा, बच्चे को मारा, उधर ट्रांसफार्मर उड़ा दिया पीछे, और उधर ये ऐसी आगे सन ज्वेलर्स वालों की गाड़ी ठोकी, एक स्कूटर यहाँ ठोका उसने, अब वो भागता हुआ इधर से फरार हुआ। ओके, डायल 100 पुलिस थी यहाँ? हाँ पुलिस थी, वो पुलिस जो थे वो दीवान जी वो नीचे उतर के वार्तालाप कर रहे थे क्या हुआ क्या नहीं हुआ। उसके बीच उसने एकदम से अंदर से गाड़ी लॉक कर ली, दीवान जी बेचारे उस गाड़ी के पीछे पीछे आगे तक दौड़े पूरे उसके पीछे। और वो बच्चे को पूरी तरह से आज तक कुत्तों का बड़ा जमाना चल गया, कुत्ते काट रहे हैं, अपने आप ही लेके जा रहा हूँ, अपने आप छोड़ लिया हूँ। मैं वहाँ खड़ा था चौराहे पे, तो दो तीन मोटरसाइकिल पे मेरे ख्याल से 8-9 लड़के थे वहाँ पे। उन्होंने किसी दो बच्चों से जो बैठे रहते हैं उनसे पूछा कि भाई क्या बात हो गई या हमें क्या पता दूर से, तो उन्होंने सिर पे कुछ मारा, उसका खून निकल गया। फिर अगले ने किसी ने मुझे मोटरसाइकिल पे रोकने की कोशिश करी, उसके भी एक डंडा लोहे का मारा, उसके भी सिर में से खून निकल गया। मामला यहाँ खत्म हो गया, अस्पताल ले गए, कोई बवाल नहीं, कुछ नहीं हुआ था। उसके बाद 100 गाड़ी भी आई है, उसमें वो जना भी था जो थे, और पुलिस बेचारी बाहर तहकीकात करने आई, वो गाड़ी लेके भाग गए लॉक करके। और मेरे ख्याल से लेडी तो स्कूल छुट्टी का टाइम था, एक्सीडेंट होने से बहुत बचे। 100 डायल वाले तो खुद उस गाड़ी के पीछे भाग रहे थे, अपनी गाड़ी के पीछे भाग रहे थे। उन्हें यही नहीं पता कि किसको लेकर आए, हम क्या आए, ये हमारी समझ नहीं आया, ये कंप्लेन वाला मामला था या नंबर 2 में आए हैं, क्या चक्कर है। मोटरसाइकिल में लिया खन्ना जी की, संत वालों की गाड़ी आ रही थी, उनकी फैमिली डैमेज होने से बाल बाल बची यहाँ पे इसी जगह।